अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PST GST HST प्रिपरेशन सीरीज़। आज हम अलजबरा का पार्ट टू करेंगे, जिसमें हम अलजबरा को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है ए राइट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती हैं उसमें टर्म्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि टर्म्स क्या हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टर्म्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स जो होते हैं वो प्लस और माइनस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नोट ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन डू नॉट कनेक्ट टर्म्स। ठीक है, और जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो टर्म्स को कनेक्ट नहीं करती, मतलब उनको हम टर्म्स कंसीडर नहीं करेंगे। चलें अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर वन, 3 × m × n। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो टर्म्स को कनेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, यहाँ पर नंबर वन है 3 × m × n। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो टर्म्स को कनेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पर जो होगा ये एक ही टर्म होगा, 3 × m × n। इसको हम 3mn भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर होगा वन टर्म। नंबर टू है जिसमें सिर्फ p है। ठीक है, तो p के साथ और कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन सिर्फ पी पे कंसिस्ट है, तो इसमें भी वन टर्म होगा। नंबर थ्री है 2x + 3y। ठीक है, प्लस जो है वो टर्म्स को कनेक्ट करती हैं, जितने भी प्लस होंगे उतने टर्म्स ज़्यादा होंगे, जैसे 2x + 3y या आगे भी हो प्लस समथिंग, तो जैसे जैसे प्लस या माइनस से जो भी चीज़ें आएंगी उनको हम टर्म कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास टर्म्स हैं टू एक्स एक टर्म है, +3y दूसरा टर्म है। क्लियर। नंबर फोर वाई प्लस सेवन, यहाँ पर 4y + 7 है, प्लस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी दो अलग टर्म हो गए, 4y और +7। नंबर फाइव है 4l + 3m + 9, तो यहाँ पर दो प्लस हैं, 4l + 3m + 9, तो टोटल ये कितने टर्म्स हो गए, तीन टर्म्स हो गए। ठीक है, नंबर सिक्स है 7x + 5 + 8, यहाँ पर भी प्लस कनेक्ट कर रही है 7x को 5 से और 5 को 8 से, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि यहाँ पर तीन टर्म है, 7x + 5 + 8। क्लियर। तो टर्म क्या होता है, टर्म एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चीज़ें प्लस और माइनस से कनेक्टेड हो उनको हम टर्म्स बोलते हैं, और जो चीज़ें मल्टीप्लाई और डिवीजन से कनेक्टेड हो उनको हम टर्म्स नहीं बोलते। क्लियर। उसके बाद है राइट द वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि वेरिएबल बताने हैं कि कौन से इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक टर्म्स होते हैं जो हम डिस्कस किए, उसके बाद टर्म्स के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं, कुछ कोफिशिएंट होते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। एनी ऑफ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच इज़ यूज टू डिनोट नंबर इन अलजेब्रा इज़ कॉल्ड वेरिएबल। कोई भी लेटर हो इंग्लिश का, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, समथिंग जो भी हो, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो किसी नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम अननोन नंबर को डिनोट करते हैं किसी भी लेटर से अलजेब्रा में, तो इन लेटर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अननोन होते हैं, चेंजेबल होते हैं, ये हमें पता नहीं होता कि कौन से होते हैं, इसीलिए हम इनको वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर। चलें अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर वन है 8x + 3, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। ठीक है, तो एट जो है वो तो एट ही है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स जो है वो अननोन है, तो इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर। नंबर टू −7x + 1, यहाँ पर भी वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। नंबर थ्री 6x + y, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है, दूसरा वाई है। नंबर फोर 2x
अपान वाई, यहाँ पर भी कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, टू एक्स वाई, यहाँ पर भी कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल हैं एक्स वाई। नंबर सिक्स में देखेंगे तो यहाँ पर है थ्री वाई जेड, तो वाई जेड क्या है, वेरिएबल है। नंबर सेवन में एक्स वाई जेड वेरिएबल है। नंबर एट में एक्स वाई प्लस वाई जेड, मतलब यहाँ पर वाई टू टाइम्स है पर हम इसको कंसीडर एक ही टाइम करेंगे क्योंकि वाई जो है वो सेम है। तो एक्स वाई, एक्स है एक वेरिएबल, दूसरा वाई है एंड देन जेड है, क्लियर। नेक्स्ट है राइट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से टर्म्स हैं जो वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं, वो टर्म्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल हो, मतलब कि उनकी जो वैल्यू हो वो फिक्स्ड हो, अनचेंज्ड हो, तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। तो चले देखते हैं इन एक्सप्रेशंस में कौन से वो टर्म हैं जो अनचेंज हैं, कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। नंबर वन, टू एक्स प्लस टू, यहाँ पर टू एक्स है, ठीक है, प्लस टू है, जो टू है वो क्या है, वो यहाँ पर कांस्टेंट है, बाकी जो टू है वो एक्स से अटैच है तो उसकी वैल्यू चेंजेबल है, क्लियर। उसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं, एक्स को हम वेरिएबल बोलेंगे और टू है वो कोएफिशिएंट है, वो हमारे आगे का टॉपिक है कोएफिशिएंट। नंबर टू, माइनस थ्री प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस थ्री जो है वो कांस्टेंट है। नंबर थ्री है एक्स वाई प्लस वन, यहाँ पर प्लस वन है वो कांस्टेंट है। नंबर फोर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वन अपॉन टू, यहाँ पर वन अपॉन टू जो है वो कांस्टेंट है। फाइव एक्स प्लस नाइन, यहाँ पर नाइन कांस्टेंट है। टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टेन, यहाँ पर टेन जो है वो कांस्टेंट है, क्लियर। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ टर्म्स जो होते हैं वो होते हैं कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द सिंबल आर नंबर अपियरिंग एज मल्टीपल ऑफ अ वेरिएबल यूज्ड इन अलजेब्रिक टर्म इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। ऐसे नंबर्स जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड हों, वेरिएबल के साथ यूज हों, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 4x, तो यहाँ पर 4 जो है वो कोएफिशिएंट है x का। तो नंबर वन है हमारे पास माइनस सेवन एक्स, ठीक है, तो माइनस सेवन जो है वो कोएफिशिएंट है। नंबर टू में है 5y, यहाँ पर 5 जो है वो कोएफिशिएंट है। नंबर थ्री में है 2x प्लस 3y, यहाँ पर 2 और 3 जो है वो कोएफिशिएंट है। 2 जो है वो x का कोएफिशिएंट है और 3 जो है वो y का कोएफिशिएंट है। नंबर फोर है x प्लस 1/2y माइनस 1/4z, ठीक है, यहाँ पर x के सामने कुछ भी नहीं है तो हम कंसीडर यहाँ पर 1 करेंगे, तो x का यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, उसके बाद y का कोएफिशिएंट 1/2 है और z का कोएफिशिएंट 1/4 है। नंबर फाइव में 5x प्लस 9, यहाँ पर 5 जो है वो कोएफिशिएंट है x का और 9 जो है वो कांस्टेंट है। नंबर सिक्स में है 1/4x, तो 1/4 जो है वो कोएफिशिएंट है x का और 6 जो है कोएफिशिएंट है y का और प्लस 1 जो है वो कांस्टेंट है।